गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल द संस्कारम ग्रुप ऑफ चैनल, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री लैब के अंदर आए हैं और केमिस्ट्री लैब के अंदर ये जानेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमारे जो CBSE के अकॉर्डिंग होते हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड एपरेटस हमें नीड होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमारे लिए होता है टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट। तो टाइट्रेशन में बेटा ये ब्यूरेट रिक्वायर्ड होती है, तो वी हैव नंबर ऑफ ब्यूरेट्स यू कैन सी, जिससे हम ब्यूरेट से टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ जब हम आते हैं तो हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स लेते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स लाइक क्लोराइड सॉल्ट्स, हमारे पास सल्फाइड सॉल्ट्स हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हैं, जिससे हम सल्फेट के एनालिसिस करते हैं। और टाइट्रेशन के अंदर ये बात इम्पॉर्टेंट होती है कि जब हम टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, लाइक 500 ml, 1 L। तो वी हैव सम वेसल्स जिससे हम ये सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ कॉनिकल फ्लास्क की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉनिकल फ्लास्क, बीकर्स, दीज आर द एसेंशियल एपरेटस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द केमिस्ट्री टाइट्रेशन प्रैक्टिकल्स। साथ ही साथ बेटा हमें कुछ केमिकल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है इन प्रैक्टिकल्स के लिए, जैसे कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, मोहर सॉल्ट। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स ऑल्सो देयर इन आवर अलमीरा, एंड देर इज़ ए बर्नर्स की कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमें ज़रूरत होती है। जैसे एक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, जिसमें हमें बर्नर्स की और हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास ये बर्नर्स हैं, पूरा गैस सिलेंडर, पूरा पाइप लगा हुआ है, पूरी फिटिंग है, जिससे हम आसानी से अपने हीटिंग की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम ईजिली कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बेटा हमारे पास, जैसे और हम बात करें फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, तो आप जानते हैं थियोरेटिकल में भी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिफरेंट जैसे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के भी टेस्ट होते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो बैक साइड एक्चुअली केमिकल्स रखे हुए हैं, तो उन केमिकल्स से हम फंक्शनल ग्रुप की एनालिसिस भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी स्पेसियस भी है हमारे लिए, जैसे अगर हमें 20 और 30 ग्रुप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के साथ साथ थ्योरी को भी यहाँ अपने टाइट्रेशन में या एक्सपेरिमेंट फंक्शनल ग्रुप वाले में नोट डाउन कराना है तो भी यहाँ आसानी से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जा सकता है। तो बेटा इन प्रैक्टिकल को वन बाय वन हम बोर्ड की तरफ चलेंगे अब, तो बोर्ड से स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे प्रैक्टिकल होते हैं।